आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती के अवसर पर आज के दिन हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था और हनुमान जी जाने जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करने के लिए भगवान श्री राम के लिए। उन्होंने बचपन से ही बड़ी बड़ी चीज़ें करके दिखाई। बचपन में उन्होंने एक लड्डू समझकर सूर्यदेव को निगलने का प्रयास किया और उन्होंने बड़े होने के बाद राम जी को अलग अलग विभिन्न सेवाओं में बहुत सहायता दी। जब लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो उन्होंने संजीवनी बूटी लाए थे गंधमादन पर्वत से और बूटी के साथ साथ पर्वत भी आ गया था और उन्होंने अपने आप अकेले गए लंका में, पूरा जो राक्षसों से भरी हुई थी और लंका में आग लगा कर आ गए। अशोक वाटिका में चैलेंज किया कई सारे असुरों को और उन राक्षसों को डिफीट भी किया। पर देखा जाए हनुमान जी के बारे में, आज के दिन हम कुछ स्पेशल चीज़ें चर्चा करेंगे। हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो ज़्यादातर लोगों में बहुत प्रचलित नहीं हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि कैसे हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा मैच्योर थे अपने डीलिंग्स में, कैसे किसी बात को प्रस्तुत करना है, क्योंकि बातें बहुत सेंसिटिव होती हैं। कई बार कुछ बात लड़ाई करवा सकती हैं, झगड़े करवा सकते हैं, युद्ध करवा सकते हैं और कुछ बात सारे युद्ध शांत करवा सकते हैं, मैत्री करवा सकते हैं। तो हनुमान जी का रोल पूरी रामायण में इस तरीके से स्पेशली दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो इस कला में बहुत एक्सपर्ट हैं, कि कैसे दूसरे लोगों को अपने विचार प्रस्तुत करने, कैसे दूसरे लोगों से बात करनी है, कैसे उनको समझा जाए। तो हनुमान जी के बारे में ये बातें आती हैं स्पेशली जब वो सीता माता के पास जाते हैं राम जी का संदेश लेकर। तो ये देखा जाए उनके पास बहुत सारी शक्ति है जिस वजह से उनको सिलेक्ट किया गया है, पर उसी के साथ साथ उनमें बहुत कौशल है, बहुत निपुणता है इन सब चीज़ों को लेकर। तो जब वो रावण की लंका में पहुंचते हैं तो वो एक अपना दूसरा गुण भी बहुत सुंदर दिखाते हैं, वो है अपने इंद्रियों को संयमित रखने का। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, देखा जाए तो उनका ब्रह्मचर्य भंग होता है किसी भी स्त्री की तरफ देखने से, पर उनको वहाँ पर देखना ही है, खोजना ही है माता सीता को। तो वो सोचने लगे यहाँ पर तो मुझे स्त्रियों को ही देखना पड़ेगा क्योंकि माता सीता तो स्त्री हैं और स्त्रियों को देखकर ही पहचानना पड़ेगा कहाँ पर हैं सीता। तो वहाँ पर वो अलग अलग जगह झांक रहे हैं कि कहाँ पर माता सीता हो सकती हैं। रावण के महल में जा रहे हैं, वहाँ उनकी इतनी सारी रानियाँ हैं, रावण संभोग कर रहे हैं अलग अलग रानियों के साथ। तो हनुमान जी सोचने लगे ऐसे करेंगे तो क्या मेरा धन भ्रष्ट हो जाएगा, पर उन्होंने सोचा ये भगवान राम के लिए, मैं भोग की दृष्टि से नहीं देख रहा। तो उन्होंने अपनी इस लंका की यात्रा में ये भी दिखाया कि कैसे वो धर्म में बहुत अच्छे से स्थित थे और बहुत ही इंद्रियों को संयमित रखने वाले योद्धा थे, भक्त थे। और उसके बाद जब वो फाइनली ढूंढ लेते हैं माता सीता को और वो उस वृक्ष की शाखा पर बैठे होते हैं, तो वो बैठे बैठे देखते हैं कि कैसे माता सीता बहुत उदास है, बहुत रो रही हैं, बहुत शोक कर रही हैं। पर शोक करते हुए माता सीता क्या करने लगती हैं, उन्हीं के सामने सामने क्या करने लगती हैं, अपने बालों को जिनको उन्होंने अपने चोटी के फॉर्म में किया हुआ था, उस चोटी को हाथ में लेकर, बहुत लंबी चोटी थी माता सीता की, तो उससे पकड़ते हुए वो एक शाखा की तरफ देख रही थी फांसी लगाने की दृष्टि से कि इसको मैं लपेट कर इस शाखा से मैं फांसी दे देती हूँ अपने आप को, मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरा जीवन का मतलब ही क्या बचा है राम जी के बिना। और जैसे ही हनुमान जी के सामने ये होने लगता है, हनुमान जी बिल्कुल सोच में पड़ जाते हैं अभी कैसे रोकना है माता सीता को, मैं आ गया हूँ। और माता सीता एक शाखा को नीचे कर लेती हैं, अपने बालों को भी उसके ऊपर डालने वाली होती हैं। तो हनुमान जी एकदम बिल्कुल बहुत फास्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर वो चिल्ला पड़े कि रुकिए तो माता सीता एकदम और ज़्यादा घबरा जाएंगी कि कोई राक्षस आया मुझे रोकने, और जल्दी करने लगेंगी ये। और अगर मैं एकदम सामने आ जाऊँ वानर के रूप में तो ये वैसे घबरा जाएंगी, चीख देंगी, तो जो 700 राक्षस हैं आसपास वो एकदम आ जाएंगे मेरे ऊपर और मैं राम जी का संदेश नहीं दे पाऊँगा सीता माता को। और तो इतना तेज़ उनका प्रोसेसिंग चला था क्या किया जाए ऐसी परिस्थिति में। फिर
माता सीता भी धीरे धीरे अपने आप को रोक रही हैं और फिर हनुमान जी सोचते हैं कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, पर बोलूँगा कौन सी भाषा में। अगर मैं संस्कृत बोलूँगा तो माता सीता को लग सकता है ये रावण भी हो सकता है, क्योंकि वो उनको भी संस्कृत आती थी। और वो सोच रहे थे अगर मैं अवधि बोलूँगा तो हो सकता है माता सीता को बिल्कुल विश्वास हो जाए कि मैं राम जी की संदेश लेके आया हूँ। तो वो अवधि में राम जी दशरथ महाराज के बारे में बताना शुरू करते हैं और सीता माता जैसे ही अवधि सुनती हैं इतना खुश हो जाती हैं कि कोई राम का संदेश लेकर आए, और तभी वो रुक जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हैं, आगे सुनाते हैं और फाइनली वो राम जी की वो अंगूठी लाकर दिखाते हैं सीता माता को, और सीता माता को वो संदेश सुनाते हैं राम जी का। और सीता माता उन्हें बोलती हैं 2 महीने का समय है मैं देती हूँ, उसके बाद मैं आत्महत्या कर लूँगी। और हनुमान जी इस संदेश को लेकर वापस आते हैं। वापस जब आते हैं वो खुशी के मारे कि सीता माता को ढूंढ लिया, मिशन अकम्प्लिश्ड, तो खुशी से गरजाते हुए आ रहे हैं वापस। और वानर जो वेट कर रहे थे हनुमान जी का दूसरी ओर, वो वेट कर रहे हैं हनुमान जी का, और दूर से ही वो सुनते हैं हनुमान जी की गरजना, इतना खुश हो जाते हैं वो कि मिल गई माता सीता। और जैसे ही हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी वानरों के पास आते हैं खुश होकर, वानर उनको गिफ्ट्स देते हैं, खाने के लिए फ्रूट्स देते हैं, उनका सत्कार करते हैं। और हनुमान जी दिल खोल कर बताते हैं अपनी सारी बातें कि कैसे माता सीता मिली, कैसे उन्होंने लंका में आग लगा दी, कैसे उन्हें लंकिनी मिली, कैसे उन्हें मैनक पर्वत मिला। अलग अलग बातें सुनाते हुए कि मैंने इसको ऐसे मारा, इसके साथ ऐसा किया, लंका में आग लगा दी मैंने। और सारे वानर इतने खुश हो जाते हैं कि हाँ ये राक्षस कुछ नहीं है, अब युद्ध भी होगा तो हम इनको देख लेंगे। वानर एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर सब लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये न्यूज़ हमें राम जी के पास फटाफट लेकर जानी होगी। तो वापस किष्किंधा आते हैं। किष्किंधा आते समय राम जी सब जब मिलने जा रहे हैं हनुमान, तो वो दूर से ही सोचने लगते हैं कि राम जी को ये न्यूज़ कैसे प्रेजेंट करनी है, क्योंकि राम जी इतने व्याकुल थे माता सीता के बारे में खबर जानने के लिए। तो हनुमान जी सोचते हैं पहले मैं क्या बताऊँ, मुझे सीता मिल गई, लेकिन अगर मैंने मुझे पहले बोला तो उनको लगेगा मैं बोलूँगा मुझे नहीं मिली, क्योंकि हर जगह से वानर वापस आ चुके थे तो उनको वापस यही संकोच होने लगेगा। मैं जैसे ही मैं बोलूँगा उनको लगेगा मैं यही बोलूँगा कि मुझे नहीं मिल पाई। फिर सोचने लगे अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सीता माँ मिल गई मुझे, तो वो सोचने लगे नहीं ये भी उतना सही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं सीता माँ बोलूँगा और राम जी और ज़्यादा व्याकुल हो जाएंगे और उनको लगेगा कुछ हो तो नहीं गया सीता माता को। फिर सोचोगे सबसे बढ़िया तरीका राम जी को एकदम संतुष्टि देने का दूर से ही ये है कि अगर मैं ज़ोर से चिल्लाऊँ मिल गई सीता माता मुझे, तो ज़ोर से वो दूर से ही चिल्लाते हैं मिल गई माता सीता मुझे, और राम जी इतना प्रसन्न हो जाते हैं दूर से ही सुनकर हनुमान से। और फिर राम जी के चरणों में वो कहते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी से पूछते हैं राम कि वो जीवित हैं सीता। तो फिर राम जी हनुमान और भी बताते हैं, और ये जानकर कि हनुमान को सीता मिल गई है, वो सही सलामत है, तो हनुमान को इतना प्रेम से राम जी गले से लगा लेते हैं। और इस पूरी व्याख्या में हम देखते हैं रामायण में हनुमान जी का कौशल। हनुमान जी राम जी को एक बार भी ये नहीं बताते कि मैंने क्या क्या किया लंका में जाकर, जबकि वानरों को वो बहुत चाव से बता रहे थे, क्योंकि वानरों को वो उत्साह देना चाहते थे और राम जी को बस उनकी सेवा के लिए, जैसे वो गए थे अपने स्वरूप में, वो बस बताना चाहते थे कि सीता माता मिल गई है। तो ये है हनुमान जी का कौशल। इसी वजह से हम देखें राम जी जब भेज रहे हैं भरत महाराज से मिलने, तो किसी और को नहीं भेज रहे, वो भेज रहे हैं हनुमान जी को। जब उन्हें संदेश भेजना था भरत महाराज के पास कि वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि भरत महाराज भी वेट नहीं करने वाले थे, 14 वर्ष के बाद एक दिन भी वो वेट नहीं करने वाले थे, तो राम जी ने सबसे पहले हनुमान को भेजा था कि भरत के पास जाइए और ये संदेश दीजिए कि मैं आ रहा हूँ। पर एक और उसके साथ बात बोली कि वहाँ पर जाकर देखिए कि जब आप बोलते हैं कि राम आ रहे हैं तो उन में कुछ विकार होता है क्या? अगर होता है तो और कुछ मत बोलना, आप वापस आकर मुझे बता दीजिएगा।
तो राम जी का अंदर का भाव ये था, अगर भरत महाराज को हल्का सा भी विकार आता है तो वो नहीं जाएंगे, वो बस जा ही रहे थे अयोध्या वासियों की खुशी के लिए, पर भरत महाराज को दुख होता है तो वो जाएंगी ही नहीं अयोध्या। इतनी सेंसिटिव जगहों पर हनुमान जी को भेजा गया, तो एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में राम जी के, एक सनातन धर्म के पालक के रूप में हमें ये कला आनी चाहिए कि कैसे हम सही बात सही जगह पर करें और सही जगह पर अपना कौशल भी दिखाएं। तो ये शिक्षा हमें मिलती है हनुमान जी के चरित्र से, और आज उनकी जन्मतिथि है तो आज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं हनुमान जी का जन्मतिथि, उनके गुणों के बारे में विचार करके, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हमारे अंदर भी ऐसा इंद्रियों पर संयम आए, ऐसी सेवा का भाव आए और सेवा का कौशल भी आए जो उनके पास था। लोग हनुमान जी को बस एक वानर के रूप में जानते हैं जिन्होंने राम जी के लिए बहुत कुछ किया और ज़्यादा सोचते नहीं थे, नहीं, सोचने में वो बहुत दक्ष थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।